पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं और साथ ही प्रशासन के सहयोग से कांवड़ यात्रा मार्ग पर कैंप भी लगाए गए हैं, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही आराम की व्यवस्था भी शिव भक्तों के लिए की गई है। मुरादाबाद के कांट रोड पर शिव भक्तों की सुविधा के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। मुरादाबाद के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी अपने साथी अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी का ये कहना था कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा हरिद्वार से जल भरकर शिव भक्त मुरादाबाद जनपद के रास्ते से गुजर रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी ने कैंप का भी शुभारंभ किया, जहां पर शिव भक्तों के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संदीप कुमार मीणा, अपर जिला अधिकारी प्रशासन गुलाब चंद लगातार SDM कांट अजय मिश्रा नजर बनाए हुए हैं। संदीप कुमार मीणा ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से चले, शिव भक्तों को भी कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए हमारे द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। तीसरा सोमवार के लिए शिव भक्त हरिद्वार से जल भरकर मुरादाबाद के रास्ते से गुजर रहे हैं और अपने स्थानीय मंदिरों में सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान जनपद वासियों से उन्होंने अपील की है कि सभी लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कांवड़ यात्रा चल रही है तो कांवड़ यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, उसके लिए हम भ्रमणशील हैं। हम ADM साहब, SDM साहब, SHO साहब, क्या क्या आदेश दिएगा सर सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हैं, प्रशासनिक अधिकारी सारे अलर्ट हैं और कोई भी किसी की कांवड़िया को परेशानी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए हम लगातार भ्रमणशील हैं। कैसा माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, पूरा माहौल भक्तिमय है। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करते हैं? क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि सभी शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने में सहयोग दें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कांवड़ियों को परेशानी हो।